दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं कि क्या शुगर पेशेंट्स दूध पी सकते हैं, किसी भी तरह का दूध पी सकते हैं, और अगर हाँ तो कब और कितनी मात्रा में और एक दिन में कितना दूध पी सकते हैं। ये सवाल आपने अक्सर सुना होगा और इसके जवाब को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन होता है, जो आपके लिए बड़े नुकसान का कारण भी हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। इसके पीछे कई इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट होते हैं जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी नुकसान का कारण भी हो सकती है। देखिए ऐसे ही कोई भी भोजन अपनी डाइट में ऐड कर लेना शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पर नजर रखना जरूरी हो जाता है और इसमें आपकी डाइट का रोल बहुत बड़ा होता है। दूध भी हमारी डाइट का एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन क्या ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सुटेबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कप यानी 250 ml फुल फैट दूध में अप्रोक्सीमेटली 150 कैलोरीज होती हैं और लगभग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स मेनली लैक्टोज की फॉर्म में होते हैं, जो एक टाइप का शुगर होता है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे लैक्टेज कहते हैं। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की इफिशियंसी एज और हेल्थ के साथ कम हो सकती है, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू हो सकता है और ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक कप फुल फैट मिल्क पीने से आपका ब्लड शुगर 10 से 15 मिलीग्राम पर डीएल तक बढ़ सकता है। ये राइज हालांकि मॉडरेट होता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट्स को इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और दूध पीना चाहते हैं तो एक दिन में एक कप तक दूध पी लें, प्रेफरेबली फैट फ्री मिल्क, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए लो फैट या स्किम मिल्क जो कि फैट फ्री होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की वजह से उन्हें मॉडरेट क्वांटिटी में ही दूध पीना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में एक कप स्किम मिल्क लेते हैं और साथ में ओट्स और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो ये आपको एक बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करेगा जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे। और अगर आपने फ्रूट्स कंटेंट्स को ज़्यादा रख दिया, सब्जियां हटा दी, तो शुगर का लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मिल्क पीने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो सुबह होता है ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन अगर आप रात को दूध पीना चाहते हैं तो रात के टाइम मिल्क पीने से पहले इंश्योर करें कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेजेबल हैं और आपका डाइट ओवरऑल बैलेंस्ड है। अगर आपको मिल्क से ब्लड शुगर लेवल्स पर असर पड़ता दिखता है तो आप अल्टरनेटिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जैसे आलमंड मिल्क, सोय मिल्क या कोकोनट मिल्क, जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स और लो शुगर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये ऑप्शंस आपके लिए बेटर हो सकते हैं, लेकिन इंश्योर करना जरूरी है कि आप उनके न्यूट्रिशनल लेवल्स को भी चेक कर लें ताकि आपकी बाकी जरूरतें भी पूरी हो। कुछ लोगों को स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या फिर उनका शुगर कंट्रोल ज़्यादा टाइट होता है, ऐसे लोगों को अपने डाइट में चेंजेस करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी डेली ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें और देखें कि आपका बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करता है। अगर आपका कोई अनयूजुअल स्पाइक आते हैं, बढ़ जाता है, ड्रॉप्स आते हैं, शुगर घट जाता है, तो अपने डाइट को एडजस्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल डिस्कशन कि शुगर पेशेंट्स के लिए दूध पीना सेफ है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो समय पर मिलते रहें। कमेंट्स में बताएं कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मिला या नहीं, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस आंसर्ड रह गए तो आप फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उन सबका जवाब दूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।